ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसके हाथ पे ने महज 6 साल की उम्र में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जी हाँ, मुंह से लिखना सीखा और पढ़ाई पूरी की। अब बीएड कर रही है। उस लड़की का सपना है कि टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाऊं। आइए बताते हैं इस बहादुर विद्या की पूरी कहानी। ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर डबरा शहर है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह नगर के कारण पूरे प्रदेश में इस शहर की अपनी पहचान है, लेकिन इस शहर की एक नई पहचान बना रही है 22 साल की मंजेश पाल। मंजेश इन दिनों जो है डबरा में ही किराए के मकान में रहती है। यूं तो वह दतिया जिले के छपरा गांव की है। मंजेश अब जब सिर्फ 6 साल की थी, तभी उसके पैर और हाथ ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मंजेश उन दिनों को याद करते हुए उदास हो जाती है। कहती है, मैं उम्मीद छोड़ने लगी कि अब मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। चारों तरफ निराशा ही थी। विसंतपुरा निवासी शिक्षक प्रेम नारायण छपरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल हुआ करते थे। उनका एक हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा, हिम्मत नहीं हारना है। यदि प्रकृति के अन्याय किया है तो हमें उससे लड़ना है। आप हाथों से नहीं, मुंह से लिखने का अभ्यास करो। मैंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे मुंह से लिखना सीख गई।